हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे। और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे, पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय। अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी, भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। घुमंतु जाति उत्थान न्यास की घुमंतु तीर्थ योजना के अंतर्गत दो दिन पूर्व हरिद्वार और ऋषिकेश की धार्मिक यात्रा पर गया 110 यात्रियों का दल हनुमान जन्मोत्सव पर मंगलवार को सकुशल लौट आया। अम्बावाड़ी स्थित आदर्श विद्या मंदिर ने सभी यात्रियों का स्वागत किया गया। घुमंतु जाति कार्य जयपुर महानगर संयोजक राकेश कुमार शर्मा ने अपनी पूरी टीम के साथ यात्रियों का अभिनंदन किया। विश्राम और अल्पाहार के बाद यात्रियों ने अन्य लोगों के समक्ष तीर्थ यात्रा के अनुभव बांटे। अंजलि, मधु और तनु ने कहा कि वे पहली बार यात्रा पर गई थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यात्रा की व्यवस्था की, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। बढ़ाना के पिंटूनाथ ने कहा कि एक साथ 110 लोगों के समूह में तीर्थ यात्रा करने का अनुभव बेहद अच्छा लगा। वे सभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आभारी हैं। अन्य यात्रियों ने कहा कि अन्य परिचित लोगों को भी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। लोहा मंडी, हरमाड़ा, विद्याधर नगर स्थित जयपुर के विभिन्न घुमंतु बस्तियों के लोग अपने प्रारंभिक वेशभूषा में यात्रा कराए हैं। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाई और पितृतर्पण किया। इससे पूर्व अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांति कुंज हरिद्वार में वेद माता, माँ गायत्री और समाधि स्थल पर प्रणाम किया। उल्लेखनीय है कि घुमंतु जाति उत्थान न्यास की ओर से हर माह ये तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। न्यास की ओर से अब तक एक दर्जन से ज्यादा घुमंतु बस्तियों में अपनी बस्ती अपना हवन कार्यक्रम के तहत गायत्री परिवार के माध्यम से हवन कराए जा चुके हैं और हवन की श्रृंखला अभी भी जारी है। ये जो घुमंतु समाज है, अगर इनका इतिहास अपन देखेंगे तो इनका गौरवशाली इतिहास रहा है। भारत माता के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए लोग ये तत्पर रहे हैं। इन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना इन्होंने राष्ट्र कार्य किया है। परंतु कालांतर में अंग्रेजों ने जब इनको 1857 की क्रांति में इनका योगदान देखा तो उन्होंने 1871 के अंदर इन पे एक एक्ट लागू कर दिया गया जिसमें इनको अपराधी घोषित कर दिया गया। दुर्भाग्य की बात देखिए, जिस कौम ने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, आंदोलन के अंदर भाग लिया, देश धर्म की रक्षा के लिए काम किया, उनको अपराधी घोषित कर दिया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में 1952 में इन पे जो एक्ट लागू था उसको सरकार ने निरस्त किया गया। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, परंतु दुर्भाग्य की बात है आज भी ये जो वीर कौम है, शक्तिशाली कौम है, बहादुर कौम है, सनातन पे कुर्बान होने वाली कौम है, जिन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गली मोहल्लों में, नाले के किनारे पे ये अपने बहन बेटियों के साथ में सड़क के किनारे रहने को मजबूर है। हमारा सरकार से निवेदन है और सरकार भी प्रयास कर रही है, विभिन्न योजनाएं इन पे ला रही है, परंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक गतिविधि के रूप में घुमंतु कार्य शुरू किया है जिसमें हम इन बस्तियों के बच्चों को पढ़ाने के लिए बाल संस्कार केंद्र, इन बस्तियों के लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता कि ये मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले ले, अस्पताल में इलाज करवा ले, इसके लिए हम आरोग्य मित्र बनाते हैं, वहाँ पे इनको दवाइयाँ उपलब्ध कराते हैं, ये धर्म संस्कार से जुड़े रहे, इसके लिए हवन का काम करते हैं। और अभी हमने एक और योजना शुरू की है, घुमंतु तीर्थ योजना। इस योजना के अंदर हम इनको तीर्थाटन कराएंगे, विभिन्न प्रकार के जो अपने धार्मिक स्थान हैं उनकी यात्राएं कराएंगे। उसी उपलक्ष में ये पहली यात्रा आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पे ये हरिद्वार और ऋषिकेश 108 घुमंतु गए थे जो आज यात्रा करके यहाँ पधारे हैं।
मैं राकेश कुमार, संयोजक घुमंतु कार्य जयपुर महानगर। तो जातियों में हमेशा शोषण हुआ है, कभी उनको बढ़ावा नहीं दिया गया, परंतु आरएसएस के द्वारा हम सभी को तीर्थ स्थानों पर घूमने का मौका मिला और तीर्थ स्थानों के दर्शन बहुत अच्छी तरह करवाए, नाश्ता सुविधाएं सब करवाई। और सबसे बड़ी बात ये कि निःशुल्क अच्छी यात्रा और सबसे बढ़िया फ्री में खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सबसे बढ़िया तरीके से करवाई आरएसएस। और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी थी ताकि कोई किसी बुजुर्ग वगैरह के पेन वेन हो तो उसमें मदद करें। नहीं कभी गए हैं लेकिन कभी तीर्थ स्थानों पर नहीं गए। और 108 को लेकर आरएसएस वालों ने बहुत आगे तक सफ़र लंबा तय किया। गंगा जी की मंगल आरती जो बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है, इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आरएसएस द्वारा हमें इतनी अच्छी प्रायोरिटी दी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आरएसएस की तरफ से। घूमने गए हो, कैसा लगा आप लोगों को? घूमने गए बेटा, बहुत अच्छे लगे। हमने हमारा बड़ के बूढ़े भी नहीं गए, हम गए, कोई भाग्यशाली लेके गए, हम बूढ़ा आदमी गुजर को देख के गए, हमारे को अच्छा लग्या। ऐसा आराम हम भी कर जानते हैं, लेकिन हमारे पास में सुविधा नहीं है, बच्चों को भी पढ़ा जानते हैं, एसी में भी सो जानते हैं, बढ़िया मकान भी कर सकते हैं, बना सकते हैं। बुद्धिहीन थोड़े ही है, आप जैसी बुद्धि हमारी भी होगी, लेकिन पैसे बिगैर कैसे कर लेंगे हम? क्या यात्रा करना नहीं जानता था, लेकिन हमारे पास में पैसे नहीं थे, आप लोग ले गए तो हमारे दिल खुश हो गए। अच्छा लगा हमारे को बहुत। मेरा नाम तो मदन है सर। मदन जी, कितने लोग गए थे आप यहाँ से? यहाँ से गए थे हम 110 से 120। कौन सी जाति के हम? लोहार है, जाते गाड़ी लोहार। आपसे पहले भी गए थे क्या आप कभी घूमने? नहीं सर, नहीं गए कभी। पहली बार गए। पहले नहीं, पूरे परिवार के साथ गए आप? हाँ, पूरे परिवार के साथ। कृष्णा देवी कहाँ से हैं? हाँ, केड़ा डूंगर से। कहाँ गए थे आप? हम गुरुद्वारे और ऋषिकेश और गंगा मैया गए थे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा हमको। नहीं पहली बार ही गए थे, पर बहुत अच्छा लगा हमको। और सब सर अच्छे गए थे ना, बहुत अच्छा लगा। सबकी ऐसी व्यवस्था रखी जो अपने नहीं रखते ना, इससे ज़्यादा व्यवस्था रखी थी उनकी। जी सर, बहुत अच्छा लगा इनको। मैं बहुत प्रणाम करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। हमारे को बढ़िया स्नान करवाया, बढ़िया हमारा नाश्ता पानी दिया, बढ़िया हमारी सेवा बंदगी की, और बढ़िया हमारे को धन्यवाद। गंगा आरती देखी? हाँ। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है, ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।